हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 5 अप्रैल को। पहली बार यह दिवस 1964 में मनाया गया था। यह दिन 1919 में मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज एसएस लॉयल्टी की उद्घाटन यात्रा की याद में मनाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अप्रैल माह में मनाए जाने वाले दिवस। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन 2, दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर से ब्रेन को स्कैन किया गया है। इस स्कैनर से इंसानी दिमाग की अब तक की सबसे स्टीक और हाई क्वालिटी इमेज बनाई है। इस न्यू टेक्नोलॉजी से दिमाग से जुड़ी बीमारियां अल्जाइमर और पार्किंसन को समझने में मदद मिलेगी। यह दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचने वाली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को भी देख सकती है। क्वेश्चन 3, पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। भारत में कार टी सेल थेरेपी को IIT बॉम्बे इनक्यूबेटेड कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। टी कोशिकाएं हमारे शरीर को पहचानने और उनसे लड़ने में मदद करती है। इस थेरेपी का उपयोग कैंसर रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं 2024 में प्रथम बार क्या क्या हुआ है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में शुरू हुआ है। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। सम्मान नागरिक संहिता कानून बिल पेश करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन सबलपुर ओडिशा में हुआ है। क्वेश्चन 4, युवाओं को लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना को। लोकसभा चुनाव में युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा मिथ वर्सेस रियलिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से झूठी अफवाहों और सूचनाओं को रोकने का कार्य किया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पर। उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड पता करने के लिए नो योर कैंडिडेट KYC ऐप लॉन्च किया गया है। उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु इनक्योर ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमादेवी। मताधिकार की आयु 61वें संविधान संशोधन में 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह। क्वेश्चन 5, वन व्हीकल वन फास्टैग मानदंड हाल ही में किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। एक वाहन में कई फास्टैग का उपयोग करने पर रोक लगाई गई है। अब बात करते हैं कि फास्टैग क्या होता है। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। क्वेश्चन 6, किस राज्य में मोपा एयरपोर्ट में DG यात्रा प्रणाली की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, गोवा राज्य में। DG यात्रा प्रणाली 1 दिसंबर 2022 को शुरू हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि DG यात्रा प्रणाली होती क्या है। DG यात्रा भारत सरकार की एक पहल है जिससे एयरपोर्ट पर होने वाली चेकिंग से बचने के लिए चेहरे की पहचान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। मोपा एयरपोर्ट को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी कहा जाता है। डीजी यात्रा शुरू करने वाला गोवा भारत का 14वां एयरपोर्ट बन गया है। अब बात करते हैं डीजी यात्रा प्रणाली वाले 13 एयरपोर्ट की। दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, विजयवाड़ा, पुणे, मुंबई, कोची, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी।
अब हम पढ़ते हैं एयरपोर्ट से संबंधित करंट अफेयर। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि। 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरपोर्ट कौन सा है? न्योमा, लद्दाख में। डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? गुवाहाटी एयरपोर्ट। 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट? दिल्ली एयरपोर्ट। इसार एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन 7, माई CGHS किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इस ऐप का उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डेटा और संसाधनों तक पहुंचने में सुधार करना। क्वेश्चन 8, भारत के UPI लेनदेन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 56%। क्वेश्चन 9, किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। क्वेश्चन 10, 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है ये किस राज्य में है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खुदाई में गुजरात के कच्छ में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। केरल विश्वविद्यालय के आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा 2019 से गुजरात के जूना खाटिया में प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान की खोज के लिए कई सफल अभियान चलाए थे। कच्छ जिले के खटिया गांव के पास पड़ता बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती से अधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह सभ्यता दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली है और यह 2500 ईस्वी पहले की बसी हुई है। गुजरात के कच्छ के रण में धोलावीरा सभ्यता को 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर है। अब बात करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क। क्वेश्चन 11, मध्य प्रदेश में पेप्सी को इंडिया के द्वारा 1266 करोड़ रुपए का फ्लेवर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, उज्जैन में। पेप्सी को इंडिया की देश में दूसरी फ्लेवर प्लांट है। पहली फ्लेवर प्लांट पंजाब के चन्नो में स्थित है। उज्जैन सेंटर का निर्माण 2024 में शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन 12, भारत सरकार देश में यूरिया इंपोर्ट कब तक समाप्त करने की योजना बना रहा है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 2025 तक। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। भारत 2024 तक यूरिया का इंपोर्ट बंद कर देगा क्योंकि भारत में उर्वरक क्षेत्रों के चालू होने के कारण स्वदेशी यूरिया उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हो रही है। भारत में यूरिया इंपोर्ट होता है ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर। भारत में नैनो यूरिया इफको के द्वारा बनाई जाती है। इफको की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफको की स्थापना 1967 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष हैं दिलीप संधानी। पीएम मोदी ने यूरिया गोल्ड, एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च की है। झारखंड के देवघर में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया गया है। अब हम रिवीजन करते हैं हमारी कल की क्लास का। क्वेश्चन 1, असम राज्य के कितने उत्पादों को हाल ही में GI टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर आएगा 19। क्वेश्चन 2, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए हैं? इसका राइट आंसर आएगा राज्यसभा से। क्वेश्चन 3, हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा 3 अप्रैल को। क्वेश्चन 4, केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत हाल ही में किस देश ने की है? इसका राइट आंसर आएगा जापान। क्वेश्चन 5, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर आएगा डॉक्टर कार्तिक कोमुरु ने। क्वेश्चन 6, ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर आएगा समुद्री सुरक्षा से। क्वेश्चन 7, कोडाइकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है ये किस राज्य में है? इसका राइट आंसर आएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन 8, कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकंड तक मेंटेन किया है ये कृत्रिम सूर्य किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है? इसका राइट आंसर आएगा साउथ कोरिया। क्वेश्चन 9, 7.2 तीव्रता का भूकंप किस देश में आया है? इसका राइट आंसर आएगा ताइवान। क्वेश्चन 10, बिंदिया रानी देवी ने IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन विश्व कप 2024 में कौन सा मेडल जीता है?
इसका राइट आंसर आएगा ब्रॉन्ज मेडल। क्वेश्चन 11, 2023-24 में भारत का रक्षा एक्सपोर्ट कितना हो गया है? इसका राइट आंसर आएगा 21,083 करोड़ रुपए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।